हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू QGS बेसिक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेबल्स कैसे लगा सकते हैं, एक नहीं एक साथ चार चार लेबल कैसे लगाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा QGS ओपन है, तो आपको पहले ही बता रखा है मैंने, अगर आप जहाँ पे कोऑर्डिनेट आते हैं वहाँ पर वर्ल्ड टाइप करेंगे तो आपका वर्ल्ड का मैप आ जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर वर्ल्ड का मैप आया है। ये हमारे वर्ल्ड टाइप करते ही ये मैप आ जाता है इसके अंदर। ये मैप आपके उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सा QGIS यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने खुद किया है तो वो ऐसा मैप आएगा। अभी हम इसमें पॉइंट लेयर लगाते हैं, लेयर ऐड वेक्टर लेयर। मैंने ये वेक्टर लेयर जो है CSV फाइल से बनाया है। ये नेपाल के जियो नेम्स हैं। ओपन करते हैं, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ये देखिए हमारे पास पूरे नेपाल के नाम आ गए हैं। अब इस नाम में हम देखेंगे, अगर हम इसकी एट्रीब्यूट टेबल खोल के देखते हैं, जियो नेम ID आएगा, नाम आएगा, उसका ASCII नेम आएगा, उसका अल्टरनेट नेम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे फीचर क्लास आएगी, यहाँ फीचर कोड आएगा, यहाँ पर कंट्री कोड है, और ये ऐसे करके बहुत सारे हर डिटेल जानकारी होगी उसके बारे में। उसका एलिवेशन होगा, उसका डैम वैल्यू होगा यहाँ पर। तो हम आज जो लेबल में दिखाएंगे वो होगा ASCII नेम, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एक डैम की वैल्यू, क्योंकि ये सभी फील्ड्स में फिल है तो इसलिए हम इसकी डैम वैल्यू दिखाएंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पॉइंट का जो है सिंबल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, और इसका फिल कलर जो है सॉलिड वाइट कर देते हैं। ये देखिए अपने आप ही उसका प्रीव्यू थोड़ा सा अच्छा हो गया है, और इसका साइज छोटा कर देते हैं। ये देखेंगे तो आप ये आपके पॉइंट्स जो है छोटा हो गया। अभी जो पॉइंट विजिबल हैं, ये देखिए नेपाल नाम आ रहा है हमारा, ये कंट्री वाली जो हमने लेयर लोड की है उससे आ रहा है। लेबल लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, नेम के प्रॉपर्टी में गए, हम लेबल में गए, सिंगल लेबल ऑन किया हमने। आप एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये एक्सप्रेशन खुल के आ गया। अभी आपने करना क्या है, यहाँ से जियो नेम ID को आप डिलीट कर देंगे, और इधर राइट साइड में जो है अपना फील्ड्स एंड वैल्यूज़ हैं इसको एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ASCII नेम, फिर चाहिए हमें डैम, उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अभी नीचे ये हमने चारों वैल्यूज़ डाल ली हैं, ये हमें अपने लेबल में दिखानी है। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन इज इनवैलिड आ रहा है। सबसे पहले इसको कॉन्कैट कर लीजिए, कॉन्कैट मीन आप चार लेबल एक साथ दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा पाइप का साइन, डबल पाइप। डबल पाइप का आप साइन जब लगा देंगे तो ये आपका जो एरर है नीचे से चला जाएगा। ये देखिए आपका ये एरर यहाँ नीचे से चला गया है। अभी चारों नेम इसके इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, ओके करते हैं इसको। आप इसका रिजल्ट देखिए पहले, ये देखिए ये आपका यहाँ पर नाम आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद डैम वैल्यू आ रही है, फिर लैटिट्यूड वैल्यू आ रही है, फिर लॉन्गिट्यूड वैल्यू आ रही है। अब इनको अलग अलग करने के लिए क्या है, अब हमने डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी में गए थे, वैसे भी कर सकते हो, और अगर लाइव करना है तो आप यहाँ सिर्फ ये लेयर के एट्रीब्यूट यहाँ पर हैं, स्टाइल पैनल खुलेगा यहाँ से लेयर का, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से लेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ भी वही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। आप एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी वैसा ही मिलेगा। अभी हमने किया यहाँ पर ASCII नेम, फिर हमने डबल पाइप लगाया था,
तो ये हमारे जुड़ गए थे नाम, अभी हमें जोड़ने नहीं है, हमें नाम अलग लाइन में लेके जाने हैं। तो वो कैसे जाएंगे? हम इस डबल पाइप के बीच में एक एक्सप्रेशन और लगाएंगे, स्लैश कॉलन एन कॉलन क्लोज और एक डबल पाइप। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इसको, कॉलन स्लैश एन कॉलन, ये जो होता है ये नई लाइन के लिए होता है। न्यू लाइन अगर करना है, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये एक नई लाइन के नीचे चला गया है, आपका जो प्रीव्यू देखेंगे तो ये नीचे चला गया है। अभी आप ऐसे ही इस वैल्यू को हर पाइप के बाद कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आपकी अभी ये चार लाइनें, नीचे प्रीव्यू में देखोगे तो चार लाइनें हो गई। आप एक एक करके भी ट्राई कर सकते हो, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए अभी इस पॉइंट की ये चार वैल्यूज़ आ गई हैं। ये सबसे ऊपर नेम हो गया आपका, नीचे फिर डेम वैल्यू हो गई, फिर लैटिट्यूड हो गया, फिर लॉन्गिट्यूड हो गया। अभी इनमें से दो वैल्यूज़ मुझे लेफ्ट में चाहिए, दो वैल्यूज़ मुझे राइट में करनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ लेबल के, लेबल का फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ रेगुलर लिया है मैंने, और साइज़ इसका 10 है और इसका ये है पॉइंट वैल्यू है। इसका मैं बफर लगा दूँ तो ये और सुंदर लगेगा, इसका वाइट बफर आ गया पीछे। आप रेंडरिंग के अंदर जाएंगे, ये रेंडरिंग का टैब है, रेंडरिंग प्लेसमेंट है, ये रेंडरिंग प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो अगर यहाँ पर आप ऑफसेट फ्रॉम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। आपको किधर चाहिए, कहाँ चाहिए, वो सब आपके इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से ऑफसेट जो है आपका, अगर आप बढ़ाते जाएंगे इसको, ये वैल्यू आप इसकी बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट में भी देखें तो ये आपके टेक्स्ट मूव हो रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है। ये आपका एक्स आपका मूव हो रहा है, अगर आप वाई वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ये देखिए जैसे मैं वाई इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वाई नीचे को लैटिट्यूड इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा लेबल एक साथ मूव करेगा, लेकिन इसमें चाहिए हमें कि अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर टॉप कॉर्नर में चाहिए तो यहाँ हम इसको क्वाड्रेंट को एबीसी को हम टॉप लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे, ये टॉप, ये लेफ्ट सेंटर हो गया, ये राइट सेंटर है। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे होता जाएगा, लेकिन अभी चाहिए मुझे कि ये लेबल्स ऐसे ना हो, एक साथ ना दिखें, दो इधर दिखने चाहिए, दो इधर दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले सिंगल बेस्ड को रूल बेस्ड करना पड़ेगा, ठीक है, रूल बेस्ड करना पड़ेगा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी जो लेबल की जो हमने पहले वैल्यूज़ लिखी हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ही कॉपी करो और इसे पेस्ट कर दो, ये इसकी एक कॉपी हो जाएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आप इसमें से दो चीज़ें हटा दो, आपका सिर्फ रह जाएगा ASCII नेम और डेम वैल्यू, और दूसरे में आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को रहने दें, ये हटा देंगे तो हमारे सिर्फ दो रह गए, दो एक साइड दिख रहे हैं, दो एक साइड दिख रहे हैं। अभी इसकी जो प्लेसमेंट है उसको हम कर देते हैं लेफ्ट सेंटर, इसको नाम भी दे सकते हो आप, यहाँ पर नेम आ जाएगा और यहाँ पर लेट लॉन्ग आ जाएगा, ऐसे करके आप नाम दे सकते हो। अब अभी हमने दोनों जो लेबल्स थे उनको रूल बेस्ड कर दिया है, और एक को लेफ्ट सेंटर कर दिया है, एक को राइट सेंटर कर दिया है। तो आप देख रहे होगे इसमें कुछ में हमें लेट लॉन्ग दिख रहा है, कुछ में नेम और डेम वैल्यू दिख रही है। तो इनको सेट करने के लिए क्या करेंगे,
इनका जो एक्स है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का, उनको थोड़ा राइट साइड को शिफ्ट करेंगे, तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है। देख रहे हो पॉइंट से ये दूर होता जा रहा है, अभी चार वैल्यू है तो ये पॉइंट से, ये देखिए पॉइंट से इतना दूर है, अगर 10 कर देंगे तो ये इतना ज़्यादा दूर हो जाएगा। इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है 5 इतना दूर बहुत है। अभी आप नेम को भी एक्स, ये लेफ्ट सेंटर भले ही है, लेफ्ट में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे तो एक्स यहाँ पर -5 करेंगे, तो ये देखिए आपका डिस्टेंस ये सारे के सारे नाम जो हैं अभी देखोगे पॉइंट के दोनों साइड में आ गए हैं। ये देखिए ये आपके पॉइंट के दोनों साइड में आ गए हैं। आप इसको अगर मैप यूनिट में कर लेंगे डिस्टेंस को, तो ये बिल्कुल आपका मेजरमेंट एग्जैक्ट आएगा। अब मैप डिस्टेंस आप लेके कर सकते हैं इसको। अभी ये क्या है कि ये मुझे ये नहीं पता लग रहा ये क्या चीज़ है, ये जो लिखा है ये क्या चीज़ है, ये मेरे को पता नहीं लग रहा, तो इनकी डिस्क्रिप्शन मुझे लिखनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पहले हम कुछ काम कर सकते हैं। तो जैसे लेबल है, यहीं एक्सप्रेशन में जाओ, यहाँ पर लिखो, एक्सप्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम नेम, नेम के बाद हम कॉलन भी लगा सकते हैं, एक स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर डबल पाइप का ही इस्तेमाल करेंगे, डबल पाइप। फिर नई लाइन में आते हैं, ये डेम की वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे डेम, डबल पाइप, ओके। अभी यहाँ देखोगे तो आपका ये डेम क्या नेम आ गया है, क्योंकि ये ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये नेम है, और नीचे जो है डेम वैल्यू है। तो ये जैसे जैसे आप इस क्वाड्रेंट के साथ प्ले करेंगे आपको ये डिटेल पता लगती जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का खोल एक्सप्रेशन खोलेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लैटिट्यूड, यहाँ लैटिट्यूड वैल्यू होगी, सिंगल कॉलन होगा, डबल पाइप होगा, और लैटिट्यूड जो है सिंगल कॉलन के अंदर होगा। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड स्पेस देंगे, कॉलन लगाएंगे, एक स्पेस फिर दे देंगे, जिससे हमारा विजुलाइजेशन अच्छा हो। हमारा मेन मकसद है विजुलाइजेशन को अच्छा करना। ओके किया। अभी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, दोनों जगह आपका नाम आ रहा है और दोनों जगह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहा है। आप इन चाहे तो इन दोनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे, एक को मैं ब्लू कर देता हूँ, ये हमारा ब्लू कलर में दिखेगा, ये देखिए ब्लू कलर हो गया है। जब आप लेयर पैनल से काम करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइव चेंज मिलेगा, आपको करते ही आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये नाम ब्लू कर दिया है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू मैंने रेड कर दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी होगा क्या, आप ये नाम तो डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, लेकिन अब आप जब इसको ऐसा स्मॉल करके देखेंगे तो ये पूरा क्लटरिंग हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आप एक जूम लेवल या आप एक स्केल सेट कर लो कि जहाँ आपकी वैल्यू सही दिख रही हो। अभी जैसे इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू सही नहीं दिख रही है, बेबी यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे तो ये आगे पीछे हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर इस लेवल पे आने के बाद मुझे नाम वगैरह अपने ठीक दिख रहे हैं। यहाँ आप ऐसे स्लाइड करके देख सकते हो तो ये आपको ठीक दिख रहे हैं। तो इस जूम लेवल को आप सेट कर लेंगे तो ये इसी जूम लेवल के बाद आपके लेवल अवेलेबल होंगे। इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर स्केल रेंज में जाएंगे और आपका स्केल है नीचे, स्केल देखो आप 6845, आप इसको अगर 7000 पे भी सेट कर दोगे राउंड फिगर में तो ये आपका
राउंड फिगर हो जाएगा, और इसको वन लास्ट वाले को वन कर दोगे। ऐसे ही मैं दूसरा कर देता हूँ, इसकी भी स्केल रेंज में 7000 सेट कर देता हूँ। तो ये आपको 7000 पर ही दिखेगा। आप जब जूम आउट करेंगे इसको, ये देखिए आप भैया, आप 7187 पे आए तो ये गायब हो गया, ये नाम आपके गायब हो गए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको सिर्फ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ इसमें कि इन जो ये आपके पॉइंट दिख रहे हैं ये भी स्केल बेस्ड हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंबल में जाना पड़ेगा, यहाँ भी इसको रूल बेस्ड कर देंगे और इस पॉइंट की एक कॉपी बना लेंगे। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग ताकि जल्दी हो जाए। इसकी कॉपी की हमने और इसी को पेस्ट कर लिया, ये दो पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हमारा, पॉइंट का सिंबल हमारा थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम। यहाँ सिंबल है, इसको हम स्टार बना लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये इंक्रीज़ हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इसका सिंबल हम अलग कर लेते हैं, इसको हमने हर्ट ले लिया, हर्ट लिया है तो इसका कलर भी रेड कर लेते हैं। और इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, हर्ट जो है मेरे को कम से कम 7000 पे दिखना चाहिए नाम के साथ। जब नाम वहां पे आए तो ये हर्ट बन जाना चाहिए। और स्टार जो है, मेरे को हमेशा स्टार दिखाई दे, लेकिन जब मैं 7000 के ऊपर आऊँ तो मेरा ये 7000 के बाद गायब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम 7000 कर दिया है स्टार का, और हर्ट का मैंने 7000 कर दिया है, और इसको मिनिमम मैक्सिमम को 1/1 कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये देखिए, आपको स्टार ही दिखेंगे, ये सारे पूरे में स्टार नज़र आएगा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। अभी हम 32,000, 27,000 ऐसे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा स्केल आ गया 13,000, 12, 10, 9, 8, देखिए ये देखिए। अभी जैसे ही हम 7,000 स्केल के नीचे आए, ये हमारा 7,000 स्केल से नीचे आए, वैसे ही स्टार गायब हो गया और हर्ट अपीयर हो गया इस पॉइंट को। तो इस वीडियो में आज हमने देख लिया कि लेबलिंग कैसे करनी है, एक से ज़्यादा लेबलिंग कैसे करनी है, और उनका डिज़ाइन कैसे करना है, और साथ के साथ हमने पॉइंट की सिंबोलॉजी भी देख ली कि वो भी रूल बेस्ड कैसे चेंज होती है। इसी तरह आप सिंबोलॉजी को एक पर्टिकुलर स्केल पे कोई भी किसी भी टाइप का सिंबल दे सकते हो। हमने यहाँ दो सिंबल्स का एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ स्टार और हार्ट का एग्ज़ाम्पल लिया हमने। तो आप अपने सिंबल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, अपने प्रोजेक्शन का, आपकी जो लेयर है, अगर आप मैप यूनिट में काम करते हैं, मैप यूनिट को यूज़ करेंगे, आपका डिस्टेंस जो है, मेजरमेंट जो है मीटर में यूज़ करेंगे, सिंबल भी मीटर में यूज़ होगा फिर, तो आपका जो प्रोजेक्शन है, लेयर का प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्टेड होना चाहिए। दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ जो मेरी पॉइंट लेयर है, इसका प्रोजेक्शन था प्रोजेक्टेड, इसका नंबर था EPSG7755। इसी तरह दूसरी लेयर है जो मैंने डिफ़ॉल्ट लोड की थी वर्ल्ड कमांड टाइप करके, उसका प्रोजेक्शन था EPSG4326। तो ये ज्योग्राफी की प्रोजेक्शन में थी, और ये नाम जो थे प्रोजेक्टेड सिस्टम में यूज़ की। होप है कि आपको ये पूरा जो भी दिखाया मैंने ये समझ आ गया होगा। तो आप इसको, अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे मेरे पॉइंट्स थे जो, क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अरे हम अभी जो ले स्केल है हमारा जो आ गया है वो है 35,65,000, और जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसका मिनिमम स्केल वो 1,00,000 दिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो यहाँ पे मुझे पॉइंट भी, ये स्टार भी नज़र आने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया, अब ये देखो इस पूरे स्टार नज़र आने लगे। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं तो ये लोड होने में समय लेते हैं, तो इसलिए देर में दिखते हैं थोड़ा सा। तो अगली वीडियो में आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसको पक्का देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।